जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी मित्रों। चंद्रवन्नी भक्तिरस चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवन्नी भक्तिरस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आद्य शक्ति माँ भगवती से करवध प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण करें, आपके समस्त विघ्न बाधाओं का माता रानी हरण करें और आपका जीवन आनंदमय हो। तो चंद्रवन्नी भक्तिरस चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा कार्यक्रम होगा वह होगा कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2023 का यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। और वीडियो के अंत में एक सुंदर और सटीक सा उपाय भी आपको बताएंगे, जिस उपाय को करके आप इस सप्ताह को आनंददायी बना सके। तो आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो जो है समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। अब ज्यादा देर न करते हुए बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए अगस्त 2023 यानी कि अगस्त का तीसरा महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो आज का जो यह कार्यक्रम होगा यह चंद्र कुंडली से चंद्र लग्न से आधारित होगा। तो जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं, आपके लिए यह जो सप्ताह है, इस सप्ताह अपने सोचे हुए कार्य को समय पर करने में आप जो है कामयाब होंगे। जो आपने कार्य सोचे हैं उसे आप समय पर कर भी पाएंगे और जिसके कारण आपके भीतर जो है एक अलग ही ऊर्जा होगी और उत्साह भी आपके ऊपर आपके अंदर बना रहेगा। इस सप्ताह जो है आपको अपने करियर और कारोबार को आगे बढ़ाने में जो है बहुत सुंदर अवसर आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। आप अपने करियर और कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं, बड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे। हालांकि इन सभी के बीच में जो है आपके निजी जीवन से जुड़ी कुछ समस्याएं भी आपके सिर पर बोझ की तरह बनी रहेंगी। कोई आपकी पारिवारिक या निजी जीवन की कोई समस्याएं जो है आपके सिर पर बोझ की तरह बनी रहेंगे। और सप्ताह के पूर्वार्ध में जो है, सप्ताह का जो पूर्वार्ध भाग है, पहला जो हिस्सा होगा, तो पूर्वार्ध भाग में आपके मित्र जो है आपके काफी मददगार साबित होते हुए दिख रहे हैं, जिनकी मदद से आप तमाम तरह की समस्याओं से उभरने में कामयाब हो पाएंगे। जो भी आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं से आप अपने इष्ट मित्रों के माध्यम से उभर पाएंगे। यदि आप जो है व्यवसाय से जुड़े हैं, कुंभ राशि के जातक व्यापार करते हैं, तो व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए आपको इस दौरान अचानक से आर्थिक लाभ होने के आसार हैं, अचानक से आर्थिक लाभ की प्राप्ति आपको होते हुए दिख रही है और आपको जो है बाजार में आई हुई तेजी का भी खासा लाभ आपको मिलता हुआ दिख रहा है। बाजार में अगर आपका कोई पैसा फंसा हुआ है, धन फंसा हुआ है, तो वह भी आपका इस समय, इस सप्ताह जो है आसानी से निकल जाएगा। इस दौरान जो है विदेश से जुड़े हुए काम करने वाले जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, जो विदेश से जुड़े हुए कुछ काम को करते हैं, तो विदेश से जुड़े हुए काम करने वालों को अच्छा लाभ जो है प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। और आपके हाथ जो है कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी लग सकता है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। यदि किसी मामले को लेकर आप जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर मार लगा रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर आप में हैं पड़े हुए, कोई काम, कोई मामला आपका अगर कोर्ट कचहरी में चल रहा है, तो आपके जो विरोधी हैं वह विरोधी आपसे सुलह और समझौते की पहल कर सकते हैं, या फिर जो है फैसला जो है वह आपके पक्ष में आ सकता है। तो यह आपके लिए जो है कोर्ट कचहरी के जो चक्कर आप काट रहे हैं, तो उसमें जो है आपके जो विरोधी हैं वह आपसे सुलह समझौता करने की का प्रयास करेंगे, या फिर आप जो है केस को जीत पाएंगे, यानी कि जो फैसला है आपके पक्ष में आ जाएगा। भूमि भवन से जुड़े विवाद जो अगर कोई चल रहे हैं, तो उससे भी आपको इस महीने जो है उन परेशानियों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। जो भूमि भवन से जुड़े कुछ विवाद अगर आपके हैं, तो उनसे भी आपको मुक्ति मिलते हुए दिख रही है। सप्ताह का जो उत्तरार्ध भाग होगा, तो सप्ताह का उत्तरार्ध भाग में यानी कि सप्ताह के अंतिम भाग में अचानक से पर्यटन या तीर्थाटन के योग बन रहे हैं। अचानक से कहीं पर्यटन या तीर्थाटन पे आप जा सकते हैं और आपकी यात्रा सुखद एवं मन को सुकून देने वाली होंगी। सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में आपको अपने संबंध
और सेहत दोनों का विशेष ख्याल रखना होगा। संबंधों का भी और स्वास्थ्य का, सेहत का भी विशेष ख्याल रखने की आपको आवश्यकता होगी। इस दौरान जो है मौसमी बीमारियों के चलते, जो मौसमी बीमारी है, मौसमी बीमारियों के चलते आपको शारीरिक एवं मानसिक रूप से जो है मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है, शारीरिक और मानसिक कष्ट आपको झेलने पड़ सकते हैं। प्रेम संबंध की अगर बात करें तो प्रेम संबंध की दृष्टि से यह जो सप्ताह है यानी कि 14 अगस्त से लेके 20 अगस्त 2023, तो यह सप्ताह जो है प्रेम संबंध की दृष्टि से अगर बात की जाए तो प्रेम संबंध में उपजी गलत फहमियों के चलते लव पार्टनर से आपकी दूरियां बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और गलत फहमी का शिकार आपको नहीं होना है और गलत फहमी से आपको बचना है। इस दौरान जो है आपके निजी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए विवाद की बजाय आपको संवाद का सहारा लेना है। तो इस बार समय क्या करना है, आपने विवाद नहीं करना है और उसकी अपेक्षा आपको जो है संवाद यानी कि बातचीत करके आपको जो भी मामला है उस मामले को आपको सुलझाना है। तो संवाद के द्वारा, बातचीत के द्वारा आपको जो है बात, जो भी मामला है उसे सुलझाने का प्रयास करना है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा उथल पुथल आपके इस समय होने वाली है, तो इस बात का आपको रखना है ध्यान। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने के तीसरे सप्ताह के उपाय की, क्या उपाय करें जिससे इस सप्ताह को आप आनंददायी बना सकें। तो उपाय के तौर पर जो है कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा करनी है और पूजा करते समय भगवान शंकर को बेलपत्र या समी पत्र आपको समर्पित करना है और प्रतिदिन आपको जो है शिव चालीसा का पाठ करना है। तो यह अगर आप उपाय करेंगे तो आप इस सप्ताह को आनंददायी बना पाएंगे। तो यह उपाय, छोटा सा सटीक सा उपाय आपको जरूर करना है ताकि आप इस सप्ताह को लाभान्वित बना सकें, आनंददायी बना सकें। तो आज का वीडियो यहीं पे करेंगे समाप्त। आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक मां भगवती आपकी समस्त मनोरथों को पूर्ण करें। जय माता दी।